हाय गाइस, सो आज मैं आ चुकी हूँ एक नया डार्क सर्कल रिमूवल मास्क के साथ, जो कि है पूरी होममेड। अभी मैं इसकी पूरी की पूरी प्रोसेसिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अभी पहले क्या करना है, एक बोल में आपको एक चम्मच कॉफ़ी लेना है, ऑब्वियसली रॉ कॉफ़ी लेना है। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट जो आप देने वाले हैं वो होगी एक चम्मच हल्दी। अभी यहाँ पर मैं देख सकते हैं आप, मैंने हल्दी यहाँ पर ले लिया है। अभी नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट जो थर्ड इन्ग्रीडियंट है वो है एलोवेरा जेल। बहुत ही पॉपुलर इन्ग्रीडियंट है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी। सो मैंने यहाँ एलोवेरा जेल ऐसे ले लिया है। अभी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ऐसे मिक्स करना है जबकि बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन जाते हैं। ये पेस्ट रेडी हो चुका है लेकिन पूरी अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, कुछ और मैं इंग्रेडिएंट इस पे ऐड करने वाली हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेस्ट रेडी हो रहा है वो थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी आपकी आँखों को इतना कूलिंग इफेक्ट देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी डार्क सर्कल्स कब रिमूव हो गए और आप कब, मतलब इतने बड़े प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया आपको। तो अभी मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को, ये कॉफ़ी, हल्दी और एलोवेरा जेल, ये तीनों ही बहुत ही फ़ायदेमंद है किसी भी डार्क सर्कल्स या फिर किसी भी ब्लैक स्पॉट्स या फिर किसी भी चीज़ को ब्राइट बनाने में ये हेल्प करती है। और साथ ही साथ एक और चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, वो है राइस वाटर। अभी आप लोग कोई रॉ राइस वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरा मतलब है आप किसी राइस को भिगो के उसकी पानी, या मेरे पास राइस का टोनर था, राइस वाटर टोनर, तो मैंने डायरेक्टली उसे यूज़ कर दिया तो मुझे उसकी झमेला नहीं हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं और भी अच्छा रिजल्ट इंस्टेंट मिले तो आप लोग राइस को भिगो के उसका वाटर ऐड कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये भी है लेकिन वो भी बहुत ही अच्छा होगा। अभी देख सकते हैं पूरा रेडी हो गया है, इसको ऐसे लुक मिला है। अभी इसके लास्ट इन्ग्रीडियंट बाकी है जो है विटामिन ई ऑयल। अभी वो मैं इस पर यूज़ करने वाली हूँ, ये एक एसेंशियल ऑयल है। और विटामिन ई का जो कैप्सूल्स मिलते हैं उसको भी आप कट करके उसका अंदर का जो लिक्विड है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके भी बहुत ही सारे फ़ायदे हैं। देखिए मैंने ऐसे इसको मिक्स कर लिया, दो तीन या फिर चार ही ड्रॉप आपको इस पर लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी आँखों की मतलब एरिया के हिसाब से ये बनाना पड़ेगा। तो भी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया, आप बहुत ही कम लगेंगे क्योंकि आपकी आँखों के एरिया हमारे आँखों के एरिया बहुत ही कम होते हैं, इसलिए उसके लिए मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा ही मैंने बनाया। अभी ये पूरा का पूरा रेडी हो चुका है, अभी मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाने वाली हूँ, तो आप देखिएगा पूरा यूसेज। तो अभी मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ मैं अपनी DIY की लाइव डेमोंस्ट्रेशन के लिए, तो आप लोग गौर से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को लाइव देखने को मिलेगी। तो अभी मैं एक उंगली की मदद से अपने डार्क सर्कल्स या फिर अपने आँखों के चारों ओर ये जो मैंने DIY का पेस्ट बनाया है तो मैं वो अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं आपको ऐसे सर्किल मोशन में आपको पूरा अप्लाई करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको स्प्रेड करके अप्लाई करना है। अभी जब आप अप्लाई करेंगे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट महसूस हो रहे हैं, आप जब करेंगे तो आपको भी मिलेगा 100%। अगर आपको नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएगा, कि मैं 100% श्योर हूँ अगर मुझे ये कूलिंग इफेक्ट मिल रही है तो आपको भी मिलेगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मैं वही DIY यूज़ करती हूँ जो कि बहुत सेंसिटिव स्किन वालों के लिए कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स ना करे। तो अभी 5 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ। अभी देख सकते हैं ये पूरी ड्राई हो चुकी है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये ड्राई हो चुका है, स्किन अभी से ग्लो कर रही है। तो अभी मैं इसको करने वाली हूँ वॉश, आप लोग देख सकते हैं वॉश करने के बाद के रिजल्ट। सो मैं अभी जा रही हूँ वॉश करने के लिए, इसलिए मैं अपने बालों को थोड़ा टाई अप कर रही हूँ। अभी वॉश करने के बाद आपको ये रिजल्ट ज़रूर आपको चौंका देंगे। तो अभी जस्ट अभी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे डार्क सर्कल्स थे। अभी मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरी थर्ड डे है, ये थर्ड डे थेरेपी है। आप लोगों को रेगुलरली 3 दिनों के लिए रात को ये अप्लाई करना है, और लास्ट में आपको ये अप्लाई करना ज़रूर है, वो है बायोटिक का ये नाइट का आई जेल। बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है, रिजल्ट्स है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपनी DIY के साथ ये आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी समझा। इसमें भी आपको बहुत ग्रेट रिजल्ट आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने ये मतलब दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा।
भी आप लोगों को बता दूँ मेरी स्किन में जैसे खुली पोर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं क्या करती हूँ जो भी डी आई वाई मेरी स्किन में सूट होती है मैं वही डी आई वाई आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर मेरी स्किन में सूट कर गई तो ये किसी भी स्किन पर सूट कर लेगी, क्योंकि मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है, कोई भी केमिकल या फिर कुछ भी प्रोडक्ट आसानी से सूट नहीं करता। तो मैं सारी वो बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी डी आई वाई आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मुझे इसकी बहुत सारी डिमांड आई थी, डार्क सर्कल्स रिमूव करके दिखाए, इसलिए मैंने ये डी आई वाई बहुत ही पहले से मैंने यूज़ करी थी, लेकिन मेरी मतलब पूरी डार्क सर्कल्स प्रॉब्लम ही दूर हो चुकी थी, लेकिन फिर से मुझे हल्का दिखा इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। और ये 3 दिन के टाइम पर मेरा ये जो इफेक्ट है वो आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, आई एम श्योर आपको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। तो आप लोग ऐसे इसको अप्लाई करके सो जाइएगा। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।